ऑलराइट गाइस, आज की इस वीडियो पर मैं आप लोगों को कुछ इस तरीके का फोटो एडिटिंग सिखाऊंगा जो कि गाइस फोटो डायरेक्टर एप्लीकेशन के अंदर होने वाला है। गाइस फोटो डायरेक्टर एप्लीकेशन के अंदर कैसे आप लोग कलर ग्रेडिंग कर सकते हो, कैसे आप लोग फेस को स्मूथ एंड गोरा कर सकते हो, सब कुछ चीज मैं इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखो, आप लोगों को सब कुछ चीज पता चलेगा। एक भी स्टेप अगर मिस कर दोगे तो गाइस इस तरीके का फोटो एडिटिंग आप लोग नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, मैं वीडियो को फुल्ली वॉच करो एंड स्टेप बाय स्टेप मुझे फॉलो करो। एंड वीडियो को अभी तक लाइक करो, चैनल में तो सब्सक्राइब करो और पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दो। चलिए ऐसे कमल की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ऑल राइट गाइस, नॉर्मल फोटो को फोटो डायरेक्टर एप्लीकेशन के अंदर इनपुट कर लीजिए। इनपुट करने के बाद गाइस आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। गाइस सबसे पहले जो फोटो का फेस है उसे स्मूथ करना है, उसके लिए गाइस नीचे आप लोगों को पोर्ट्रेट वाले ऑप्शन ढूंढ लेना है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पोर्ट्रेट टूल्स, यहाँ पर मैं आप लोगों को मार्क करके दिखा देता हूँ, ठीक है। इस टूल्स के अंदर टैप करना है और यहाँ पर दो नंबर वाला जो ब्रश है ना, इसे सिलेक्ट करके आप लोगों को फेस के अंदर अप्लाई करना है। जूम कर लीजिए एंड फेस के अंदर कुछ इस तरीके से अप्लाई कीजिए जहाँ पर आप लोग स्मूथ चाहते हो, ठीक है। सो गाइस मुझे कुछ इस तरीके से फेस को स्मूथ करना है तो गाइस मैं कुछ इस तरीके से ही अप्लाई करूँगा। अगर आप लोग कोई न्यू तरीका है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो, लेकिन गाइस ये जो तरीका है सबसे बेस्ट है क्योंकि गाइस इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है। आपका टाइम जो है बहुत ज़्यादा बच जाएगा। एंड मैं कुछ इस तरीके से फेस को स्मूथ कर लेता हूँ। फेस स्मूथ हो चुका है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कितने रियलिस्टिक तरीके का फेस स्मूथ हुआ है। आप गाइस आप लोगों को सिंपली राइट क्लिक कर देना है, फिर से राइट क्लिक कीजिए, ठीक है। और उसके बाद गाइस आप लोगों को फर्स्ट में आना है एग्जिस्ट वाले ऑप्शन के अंदर। एंड यहाँ पर टैप करने के बाद गाइस आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। गाइस यहाँ पर एक्सपोजर को थोड़ा सा हाई कर दीजिए एंड कॉन्ट्रास्ट को भी थोड़ा सा हाई कर दीजिए, हाईलाइट को थोड़ा सा माइनस की तरफ कीजिए एंड शेडो को थोड़ा सा हाई। और आप गाइस आप लोगों को सेचुरेशन पर जाना है और सेचुरेशन को थोड़ा सा हाई कर देना है। हाई करने के बाद गाइस शार्पनेस पर जाना है, थोड़ा सा हाई कर दीजिए। एंड यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, HSL वाले टूल्स के अंदर जाना है और यहाँ से गाइस आप लोगों को क्या करना है, जो येलो कलर है इसे कुछ भी नहीं करना है, ग्रीन कलर को सिलेक्ट करके गाइस सेचुरेशन को हाई कर देना है एंड ह्यू को माइनस की तरफ, ठीक है। आप गाइस आप लोगों को एक बार राइट क्लिक कर देना है। करने के बाद गाइस दोबारा आप लोगों को जाना है जिस वाले ऑप्शन के अंदर। आप गाइस आप लोगों को HSL वाले ऑप्शन के अंदर टैप करना है और यहाँ से गाइस आप लोगों को जो येलो कलर है इसे सिलेक्ट करके ह्यू को माइनस की तरफ कर देना है, थोड़ा सा सेचुरेशन को माइनस की तरफ कीजिए। आप गाइस आप लोगों को ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करके लेमुलेशन को हाई करना है, जितना हाई करोगे उतना ही फेस गोरा होगा। एंड आप गाइस सेचुरेशन को थोड़ा सा डाउन करना है एंड रेड कलर को सिलेक्ट करके ह्यू को राइट की तरफ कर देना है और यहाँ पर से सेचुरेशन को थोड़ा सा हाई कर देना है, ठीक है। हाई करने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर फोटो गाइस कितना अमेजिंग लुक आ चुका है। एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा रियलिस्टिक फोटो एडिटिंग हो चुका है बिफोर एंड आफ्टर। गाइस आप लोग देख सकते हो यहाँ पर बिफोर आफ्टर, ठीक है। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे किस तरीके से ये सारे चीज़ करना है। गाइस लास्ट में और एक चीज़ आप लोग कर सकते हो, वो है व्हाइट बैलेंस। एग्जिस पर टैप कीजिए और यहाँ पर आप लोगों को लास्ट में टिल्ट वाला ऑप्शन मिल जाएगा, इसके अंदर टैप करके आप लोग अपने फोटो के मुताबिक से एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है, फोटो को, ठीक है गाइस। सो गाइस मैं मेरे फोटो के मुताबिक से कर रहा हूँ, यानी आप फिर से राइट क्लिक कीजिए, ठीक है। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करो, चैनल पर तो सब्सक्राइब करो। आज के लिए इतना ही था, बाय बाय।